प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले का उद्घाटन किया। रोजगार मेले के तहत प्रधानमंत्री सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नियुक्ति पत्र बांटा। पीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में युवाओं को नौकरी मिल रही है। आप सभी युवाओं को, आपके परिजनों को बहुत बहुत बधाई। विकसित भारत और संकल्प से सिद्धि के लिए हमारी सरकार युवाओं को प्रतिभा और ऊर्जा को सही अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 70,000 से ज्यादा युवाओं को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। आप सभी को बधाई। 70,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। यूपी पुलिस ने अति कवर के बेटे असद और गुलाम को एनकाउंटर में किया ढेर। इन दोनों पर 5-5 लाख रुपए का था इनाम। असद के एनकाउंटर के समय करीब 40 राउंड फायरिंग हुई। पहले बदमाशों ने पुलिस पर चलाया गोली, फिर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों को ढेर किया। अति कमत के बेटे असद और उसके सहयोगी के एनकाउंटर के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर के बैठक की। सीएम योगी ने यूपी एसटीएफ के साथ डीजीपी और स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर और यूपी टीम की तारीफ की। असद अहमद एनकाउंटर पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसटीएफ टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि जो अपराध करेगा वो बचेगा नहीं, उसे फांसी होगी और अगर पुलिस से भिड़ेगा तो पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी होगी। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि हमारा संकल्प है कि हम उत्तर प्रदेश के गुंडे माफिया और अपराधियों को खत्म करेंगे। कोई भी ऐसा अपराध जो अपराधी करेगा वो उत्तर प्रदेश में खुला नहीं घूमेगा। यूपी के स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि पुलिस मुठभेड़ से उमेश पाल की हत्या करने वाले 2 लोग घायल हुए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी पहचान असद और अहमद गुलाम के रूप में हुई। वहीं असद एनकाउंटर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कानून व्यवस्था को अगर देखना हो तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को योगी जी से सीख लेनी चाहिए। असद एनकाउंटर पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि झूठे एनकाउंटर करके बीजेपी सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं करते। उन्होंने कहा है कि आज के हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा न जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता। असद अहमद के एनकाउंटर पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जुनैद और नसीर को जिसे मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हो। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर पर उमेश की पत्नी और जयापाल ने और मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया। यूपीएसटीएफ ने असद और गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसको लेकर के इंडिया वॉइस पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि यूपी में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। यूपीएसटीएफ ने असद और गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसको लेकर के इंडिया वॉइस पर यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा है कि यूपी में पुलिस का राज। यूपीएसटीएफ ने असद और गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसको लेकर के इंडिया वॉइस पर लोनी बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि एसटीएफ ने सही कार्रवाई की। यूपीएसटीएफ ने असद और गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसको लेकर के इंडिया वॉइस पर एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने कहा है कि पुलिस और एसटीएफ के लिए जरूरी केस था। एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश ने कहा है कि आज काफी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने इन्हें ट्रैक डाउन करने में सफलता प्राप्त की। हमें पहले भी पता था कि इनके पास हथियार है। यूपीएसटीएफ ने असद और गुलाम को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इसको लेकर के इंडिया वॉइस पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि माफियाओं की नियति यही है। सीएम योगी ने मास्क को लेकर के किया बड़ा फैसला। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सख्त निर्देश जारी। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ को 5 दिन की पुलिस हिरासत। पुलिस ने मांगी थी 14 दिन की रिमांड।
पश्चिम बंगाल में एसएससी घोटाले, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। शिवसेना में फूट और एकनाथ शिंदे की बगावत को लेकर के आदित्य ठाकरे ने बड़ा खुलासा किया है। आदित्य ने कहा है, दावा किया है कि एकनाथ शिंदे मातोश्री पर आकर के रोए थे। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के साथ नहीं जाते तो मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने आदित्य ठाकरे के बयान को लेकर के कहा है कि जो वो कह रहे हैं वो पूरी तरह सच है। मेरे घर पे भी आकर के अभी मुख्यमंत्री आए, उन्होंने भी यही कहा था कि मैं जेल नहीं जाना चाहता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रोम में भारतीय और इटालियन व्यापार जगत के नेताओं के साथ गाला डिनर में भाग लिया। रोम में पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व करता है। विकासशील देशों और कम विकसित देशों की आवाज होने के नाते न केवल हमारे लोगों के लिए बेहतर जीवन प्रदान करने में सबसे आगे रहा बल्कि अन्य देशों के लोगों के लिए भी बेहतर भविष्य की के लिए योगदान दे रहा। देश की सबसे पुरानी मेट्रो सेवा कोलकाता मेट्रो ने रचा इतिहास। भारत में पहली बार किसी मेट्रो ने नदी के नीचे रफ्तार भरी। महाराष्ट्र के नागपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, 3 साल के बच्चे पर आवारा कुत्तों ने किया हमला, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। दिल्ली की महापौर शौर्य ओबराय ने सभी क्षेत्राधिकारियों को दिए निर्देश, वो ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार करें जो जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का जानबूझकर पूरा नहीं कर रहे। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर एक और जवान की गोली लगने से हुई मौत, भारतीय सेना ने इस खबर को जताया एक्सीडेंट। सेना के मुताबिक हथियारों का रखरखाव करते समय हुआ हादसा। यूपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मरीज, राज्य में बीते 24 घंटे में 446 नए मरीज मिले। एक्टिव केसों की संख्या 1791 हुई। लखनऊ में 24 घंटे में 97 नए मरीज मिले। लखनऊ में कोरोना के मामलों में बढ़ाई चिंता, 8 महीने बाद एक दिन में मिले 75 से ज्यादा मरीज, जिसके बाद प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाने की हिदायत दी। दिल्ली महाराष्ट्र में फिर डरा रहे कोरोना के आंकड़े, एक दिन में आए 1100 से ज्यादा नए मामले, आने वाले 10 से 12 दिनों में बढ़ सकते हैं केस। राजस्थान के भरतपुर में मूर्ति लगाने पर बवाल, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव और आगजनी। बिहार के मुतिहारी में 48 लाख की लूट, बदमाशों ने महिला ग्राहक से भी पैसे और उसके गहने छीने। बीजेपी ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में जगदीश शेट्टर का नाम नहीं है। हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 9A इलाके में एक नाबालिग लड़के के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में उसके पड़ोसी को गिरफ्तार किया गया। 3 साल में मदर डेयरी करेगा 100 प्रोडक्ट लॉन्च, इस गर्मी के सीजन होगी 15 नए उत्पादों की शुरुआत। सीएम अशोक गहलोत का दावा, राजस्थान के एंटी करप्शन ब्यूरो ने कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों पर कार्रवाई की है जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए थे। राजस्थान के बाड़मेर में किसान के खेत में 9 कट्टा जीरे की चोरी, बाड़मेर पुलिस ने किया खुलासा। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ट्रांसपोर्ट के मैनेजर की पीट पीट करके हत्या कर दी गई, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में निकाय चुनाव को लेकर के रायबरेली पुलिस अलर्ट, पुलिस ने कस्बे चौराहे और मार्केट का किया भ्रमण, संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की ली गई तलाशी। एसएचओ संजय त्यागी के नेतृत्व में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और संभल जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने माफिया अति कमत पर कार्रवाई को लेकर के कहा है कि अति कमत पर कार्रवाई कर योगी सरकार ने साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक प्रहरी संस्था की तरफ से आयोजित उत्तराखंड के स्तंभ कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सीएम ने समाज के कई क्षेत्रों में खास काम करने वाले और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित लोगों को सम्मानित किया।
कार्यक्रम में लगभग 1.5 दर्जन स्वयंसेवी संस्थाओं और संगठनों ने देवभूमि के अनुरूप प्रदेश हित में मुख्यमंत्री की तरफ से दिए जा रहे निर्णयों के लिए उनको भी सम्मानित किया। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माना ने राज्य की बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अब राज्य सरकार युवाओं का भरोसा खो चुकी है और उसे अब ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। उत्तराखंड में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में 90 नए मरीज सामने आए हैं। देहरादून में 55, हरिद्वार में 7, नैनीताल में 10 कोरोना मरीज मिले। देहरादून में कांग्रेस ने सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को लेकर के खड़े किए सवाल, वहीं बीजेपी नेता ने किया बचाव। यूपी निकाय चुनाव में सपा से सूबे की मेयर सीट के लिए उम्मीदवारों का किया गया ऐलान, लखनऊ, मेरठ और प्रयागराज, गोरखपुर सहित 9 प्रत्याशियों के नाम घोषित। देहरादून में अब परिवहन विभाग के कर्मचारी भी चेकिंग का चालान काटेंगे, 30 बाइक पर्यवेक्षक दलों को परिवहन मंत्री चंदन नामदास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विश्व प्रसिद्ध जीम कार्बेट नेशनल पार्क में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,65,636 पर्यटकों को कार्बेट पार्क ने 13,13,80,000 से ज्यादा राजस्व की कमाई की। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले पर अब तक 80 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। झारखंड कैडर के आईएएस अफसर छवि रंजन के घर पर समेत तमाम ठिकानों पर ईडी ने छापा मारा, जमीन घोटाले मामले में छवि रंजन के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। यूपी के देवरिया में शासन की मंशा की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां, कार्यालय परिसर में बना मौज मस्ती का अड्डा, जिला प्रयोजन अधिकारी रविशंकर इस मामले में दोषी के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। हमीरपुर में एक महिला ने बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, आत्महत्या के कारण अभी तक नहीं हुआ खुलासा, पुलिस जांच में जुटी। देहरादून में चिकित्सा विभागीय अधिकारी कर रहे मनमानी, चिकित्सा विभाग में अभी तक विभागीय ढांचा मंजूर नहीं हुआ है, लेकिन डॉक्टरों के पदों को लेकर के विभागीय अधिकारी जमकर मनमर्जी कर रहे हैं। आबकारी टीम ने लक्सर के कई क्षेत्रों में छापेमारी की है, छापेमारी में 800 किलो कच्ची शराब की लहन मिला है, जिसे आबकारी टीम ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। सीएम भूपेश बघेल ने लव जिहाद मामले में दिए गए बयान पर बीजेपी का पलटवार, बीजेपी महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि भूपेश बघेल जी के बयानों से स्पष्ट झलकता है कि वो हिंदुओं से कितनी नफरत करते हैं। आगरा में कोरोना के 6 नए मरीज मिले हैं, एक ही परिवार के 5 सदस्य समेत 25 नए मामले सामने आए। केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह आगरा पहुंचे, रोजगार मेले कार्यक्रम में हुए शामिल। यूपी के हमीरपुर में प्राचीन राम जानकी मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति चोरी हो गई है, लाखों रुपए की बताई जा रही है यह मूर्ति, पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिजनौर से कार में गैस भरने के दौरान कार में भयंकर आग लग गई, फायर ब्रिगेड विभाग ने आग पर पाया काबू। रायबरेली की भदोखर पुलिस पर दबंगों को संरक्षण देने का आरोप, 4 दिन पहले दबंगों ने एक घर में घुसकर के की थी मारपीट और फायरिंग, पीड़ित परिवार ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। राजस्थान के भरतपुर इलाके में महाराजा सूरजमल और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर के हुआ पथराव, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। देश के कुछ हिस्सों में पड़ रही जून महीने वाली गर्मी, उत्तर भारत के कुछ राज्य में पारा आने वाले दिनों में 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिल्ली में 14 अप्रैल को तापमान 18 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, वहीं 15 अप्रैल को न्यूनतम 19 और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में भारी बारिश होने के कारण कई जगहों पर भारी जलभराव देखने को मिला, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और जोगेश्वरी भिखरोली लिंक रोड पर भरा पानी। फेमस एक्ट्रेस उत्तरा बाकोवर का पुणे के एक अस्पताल में हुआ निधन,
79 साल की थी और काफी समय से बीमार चल रही थी। प्रकाश झा की अगली वेब सीरीज लाल बत्ती का ऐलान, ओटीटी कमबैक के लिए नाना पाटेकर तैयार। आईपीएल के 18वें मुकाबले में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमें इस सीजन में अब तक दो दो मुकाबले जीत चुकी हैं।